बिसमीम इन दिस सेशन वी विल कंटिन्यू फ्राम आवर प्रीवियस डिग्री प्रोग्राम कॉन्सेप्ट अब हम बात करेंगे स्कीम ऑफ स्टडीज़ की तो इसी तरह हम अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं और वहाँ से इसको प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट करते हैं तो ये आपकी स्क्रीन पे इस वक्त डिग्री प्रोग्राम फैकल्टी ऑफ एजुकेशन का एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन डिस्प्लेड है इसके अंदर एक टैब है कोर्स ऑफ स्टडी जिसमें स्कीम ऑफ स्टडीज़ व्यू होंगी इसको हम क्लिक करते हैं तो ये कुछ इस तरह का व्यू आपकी स्क्रीन पे आवेजा है स्कीम ऑफ स्टडीज़ को बनाते हुए हमने कुछ कंसिड्रेशन्स करनी होती हैं उनमें से एक कंसिड्रेशन ये है जो हमारी टेक्सोनोमी की लर्निंग है उसको हमने यहाँ प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना होता है कि कोर्सेज को इस तरह से हमने सिचुएट करना है डिफरेंट सेमेस्टर्स में कि वो इजी टू डिफ़िकल्ट की तरफ रन करें और स्टूडेंट को पहले सेमेस्टर में रिलेटिवली ईजी कोर्सेज़ समझने को मिलें और जैसे जैसे वो सेमेस्टर में आगे बढ़ रहा है कोर्सेज़ की डिफ़िकल्टी लेवल भी इंक्रीज करती जाए तो एच की गाइडलाइंस के मुताबिक जब हमारा बोर्ड ऑफ स्टडीज़ किसी भी डिपार्टमेंट फैकल्टी का बोर्ड ऑफ स्टडीज़ एक कोर्स को एक डिग्री प्रोग्राम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए बैठते हैं तो वो देखते हैं कि हमारे पास कोर्सेज इस वक्त कौन से अवेलेबल हैं आप देख रहे होंगे कि एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन में पहला कोर्स सी एस वन ओ वन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का आपको नज़र आ रहा है अच्छा ये कंपलसरी कोर्स है और ये आपको तकरीबन हर डिग्री प्रोग्राम में नज़र आएगा क्योंकि एच ई सी हमें चाहती है कि हम कुछ कोर्सेज ऐसे भी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएं जिससे उनकी अलाइड कोर्सेज़ की अंडरस्टैंडिंग बढ़े जनरल कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग बढ़े उनके अंदर पैडागोजी स्किल्स बढ़ें उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ें उनके अंदर जनरल नॉलेज की स्किल्स पाक स्टडीज़ की स्किल्स पैदा हों इसलिए ये डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ कोर्सेज़ होते हैं जो मिल एक स्कीम ऑफ स्टडीज़ को बनाते हैं अगर इस व्यू की हम बात करें तो आपके पास क्रेडिट आवर की एक टर्म नज़र आ रही है क्रेडिट आवर से मुराद है कि किसी भी कोर्स को आप एक वीक में कितने घंटे के लिए और कितने वीक्स तक पढ़ते हैं जैसे एक क्रेडिट आवर का मतलब है कि आप एक वीक में एक घंटा उस कोर्स को पढ़ते हैं अप टू फिफ्टीन और सिक्सटीन वीक्स इसी तरह तीन क्रेडिट आवर के कोर्स का मतलब है कि आप एक वीक में तीन घंटे उस कोर्स की क्लासेस लेते हैं अप टू फिफ्टीन और सिक्सटीन वीक्स इसी तरह जो हमारे क्रेडिट आवर्स हैं वो एक तीन क्रेडिट आवर के कोर्स के लिए फोर्टी फाइव से फोटी एट आवर्स तक बन जाते हैं तो ये है क्रेडिट आवर्स की अंडरस्टैंडिंग दूसरा टैप जो आप देख रहे हैं यहाँ पर वो है टाइप ऑफ कोर्स की टाइप ऑफ कोर्सेस ए की गाइडलाइंस के मुताबिक हमारे पास चार तरह के कोर्सेज हैं पहली टाइप है कोर कोर्सेस दूसरे हैं कंटेंट कोर्सेज तीसरे हैं जनरल कोर्सेज़ और आखिरी टाइप है मेजर एरिया कोर्सेज की ए अपनी अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी में कभी ये कंपोजिशन डिफरेंट कर सकता है अभी जुलाई के एंड में हम जब ये सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ए की नई अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी भी इन कंसिड्रेशन है उसमें ये कैटेगरीज चार की बजाय तीन हो गई हैं तो हो सकता है कि जब आप आने वाले सालों में ये वीडियो देख रहे हों तो एच की पॉलिसी के मुताबिक यूनिवर्सिटी ने नई पॉलिसी में तीन तरह से कैटेगराइज कर ली हूँ अपने कोर्सेज़ तो इसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हम एच के दिए हुए करिकुलम को फॉलो करते हैं और उसको फिर हम अपने बोर्ड ऑफ स्टडीज से एकेडमिक काउंसिल से और एग्जेक्टिव काउंसिल से अप्रूव और रिवाइज करवाते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम अच्छा अब ये कोर्सेज़ में आप ये देखें सी एस वन ओ वन ये जो कोर्स कोड है ये क्या मीनिंग दे रहा है वन ओ वन से मुराद है कि ये पहले सेमेस्टर का कोर्स है और ये फाउंडेशन लेवल का कोर्स है तो ये कोर्स के जो कोर्स हैं इसकी भी एक फिलॉसफी है ये हमें बताते हैं कि हमारा स्टूडेंट किस सेमेस्टर के लिए कोर्स बना है और हमारा स्टूडेंट किस हद तक इसमें लर्निंग करेगा जैसे जैसे हम सेमेस्टर में आगे जाते हैं आप देखते हैं ये कोर्स जो हैं वो चेंज होते जा रहे हैं ये डिपिक्ट करते हैं के कोर्सेज़ की कम्पोजिशन सेमेस्टर वाइज डिफिकल्ट होती जा रही है अब आखिरी सेमेस्टर में ये चूँकि दो साल डिग्री प्रोग्राम है तो सेमेस्टर फोर में ई डी यू फोर ज़ीरो फाइव क्लासरूम असेसमेंट का एक कोर्स आपको नज़र आ रहा है तो ये डिपिक्ट कर रहा है कि ये फोर्थ सेमेस्टर के लिए कोर्स बना है और इसकी डिफ़िकल्टी लेवल भी हाई है स्टूडेंट्स के लिए तो ये स्कीम ऑफ स्टडीज़ में आप देख सकते हैं कि क्रेडिट आवर्स को जब हम काउंट करते हैं तो क्रेडिट आवर्स ए की दी हुई लिमिट के मुताबिक होने चाहिए दो साल डिग्री प्रोग्राम एजुकेशन के लिए एच हमें जो रेंज देता है क्रेडिट आवर्स की वो 68 से 72 तक देते हैं तो हमने इसके अंदर तीन क्रेडिट आवर्स या दो क्रेडिट आवर के कोर्सेज को इस तरह से बनाना होता है कि हमारे पास इवेंचुअली इस डिग्री प्रोग्राम के जो क्रेडिट आवर्स हैं वो अप टू 72 स्टूडेंट्स के लिए विजिबल हों स्कीम ऑफ स्टडीज़ की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एकेडमिक रूल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी भी स्टडी करने पड़ेंगे आप अपने विज में जाइए वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि एकेडमिक रूल्स वहाँ पे आवेज़ा हैं और वो फ्रॉम टाइम टू तो टाइम अपडेट होते रहते हैं एकेडमिक रूल्स की अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको स्कीम ऑफ स्टडीज़ की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर होगी क्योंकि एकेडमिक रूल्स हमें बताते हैं कि एक सेमेस्टर में स्टूडेंट कितना लोड ले सकता है मिसाल के तौर पर उसमें लिखा है कि पहले सेमेस्टर में अप टू एटीन क्रेडिट आवर्स का लोड स्टूडेंट ले सकता है और ये एकेडमिक रूल्स को बनाने के लिए भी फ़िलासफ़ी ये है कि जब स्टूडेंट आते हैं तो उनके ऊपर लोड और बर्डन इतना ज़्यादा ना हो कि उनकी लर्निंग अफेक्ट हो सके तो एकेडमिक रूल्स को भी अगर आप इसके साथ देखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग मज़ीद ब्रॉड होगी अब स्कीम ऑफ स्टडीज़ में कुछ इसेंशल्स होते हैं जो हमारा बोर्ड ऑफ स्टडीज़ ए के पैरामीटर्स के मुताबिक डिसाइड करता है उनको हम कोर्स सिलेक्शन रूल्स कह देते हैं आप इसी वेबसाइट पर देखेंगे तो कोर्स सिलेक्शन रूल्स का एक टैब आपके सामने डिस्प्ले है इसको जब हम क्लिक करते हैं तो हर डिग्री प्रोग्राम के जो डिफ़रेंट कोर्स सिलेक्शन रूल्स होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे क्योंकि ये एजुकेशन का प्रोग्राम हमने सेलेक्ट किया है तो इसमें इसेंशियल कंपोनेंट होता है टीचिंग प्रैक्टिस का तो टीचिंग प्रैक्टिस के लिए कुछ अलग से रूल्स हैं और हम चाहते हैं कि वो स्टूडेंट जब थ्रेटिकल नॉलेज हासिल कर ले तो फिर वो प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ जाए तो इसके लिए हमने इसमें कंडीशन लगा दी है कि उसने एटलीस्ट फोटी क्रेडिट आवर्स पढ़ लिए होंगे उसने एटलीस्ट 2.0 पॉइंट जीरो अचीव कर लिया होगा फिर वो ये कोर्स सेलेक्ट कर सकता है इसी तरह अगर आप कंप्यूटर का कोर्स देख रहे हैं तो हो सकता है कि उसका कोई प्री रेकिट हो कि इस कोर्स को सिलेक्ट करने के लिए आपको इस कोर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा आपका इसमें एटलीस्ट सी जी इतना हो डिफरेंट जो कंसिड्रेशन हैं वो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए आवेजा कर देते हैं अपने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूटेंट बॉडीज से हम उसको अप्रूव करवाते हैं और फिर वो एकेडमिक रूल्स का हिस्सा बन जाते हैं और वो हमारे हर एकेडमिक एक्टिविटी में मर्ज होते हैं कहीं में एक्सप्लिसिट होते हैं कहीं में इम्प्लाइड होते हैं तो इनको अगर आप डिटेल से स्टडी कर लेंगे तो स्टूडेंट्स की जो क्वेरीज आती हैं आपको एम पे या विस टिकट्स पे तो कुछ आप इसमें से भी उनको हेल्प आउट कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच